आपका नाम क्या है? सर गुड मॉर्निंग आपका नाम? खलीफा इंदरवाल में कौन सी पंचायत है खातान खलीफा साहब? आपकी पंचायत कौन सी है? इंदरवाल सी? सी फॉर चाइना? तो आपको एक सजेशन देता हूं ना खलीफा साहब, खलीफा साहब एक सजेशन दूं? मौका तो आपके पैरों तले खड़ा हुआ है। कैसे? सिंथन फेस्टिवल हो रहा है और वो डीएफओ साहब करा रहे हैं कहीं पे ट्रैकिंग, उनको रिक्वेस्ट करके अपने इलाके में भी ट्रैकिंग करा लो। 100 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई कर रखा है, वो ट्रैकिंग होगी। ट्रैकिंग में 10 लोग वीडियो बनाएंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे, 10 लोगों को पता चलेगा। अनंतनाग से भी लोग आएंगे, डोडा भदरवा से भी आएंगे, आपका एरिया आगे निकल जाएगा। ठीक है? नहीं, आपका शुक्रिया, लेकिन अब डीएफओ साहब से बात करोगे तो मैं आपको डीएफओ साहब का नंबर दूं? नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार डीएफओ साहब से जरूर बात करना। विजय है ना, विजय, डीएफओ मड़वा नंबर है या बताऊं? विजय साहब से बात करिए आप, एक ट्रैक करा लो अपने एरिया में, बड़ा जरूरी है। अभी मैं बात करूंगा, मैं डीएफओ को मार्क करूंगा और उसको बोलूंगा अभी कि भाई इसको कराया जाए 29-30 तारीख में किसी एक दिन। ठीक है? ठीक ठीक ओ हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ, हिम्मत सिंह जी, बताइए। अरे, आपसे तो मोबाइल पे बात होती रहती है, आप हेलो किश्तवाड़ पे भी कॉल कर रहे हो, आप तो मोबाइल पे ही बता देते हो मुझे। बताओ क्या है। तो मैंने सोचा आपको मैं ऐसे भी सुना दूं। मेरे पापा 2001 से सफर कर रहे हैं और उनका जमीन का कौन से उन्होंने मतलब जीत लिया हुआ है, वो अभी तक किसी उनके नाम पे चल रहा है सर। गांव का नाम बताओ, खसरा नंबर बताओ। खसरा नंबर 228, ये ब्लॉक दक्षिणा में है, तहसील दक्षिणा, ये हल्का पंचायत थाना गांव गांव विलेज 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 कोटाल, खसरा नंबर 228। किसके नाम पे है खसरा नंबर अभी? किसके नाम पे? नाम बताओ उनका ना। रुदलाल। और आपके फादर का नाम क्या है? मेरे फादर का नाम है केसरी सिंह। केसरी सिंह। ये केस कहाँ पे जीता है और किस साल में जीता है, कौन से कोर्ट में जीता ये है? 2001 का सर जीता हुआ है। वो तो आपने हमारे यहाँ पे म्यूटेशन के लिए फाइल करना था, अगर म्यूटेशन नहीं होता तो उसके लिए अपील करना था। म्यूटेशन
मेरे पापा ने अभी काफी देर से सफर कर रहे हैं, पापा तहसीलदार और पटवारियों के चक्कर में ही घूम रहे हैं। नहीं, आपने कहीं नहीं जाना, आपने मेरे ऑफिस में अपील करनी है। अगर पटवारी तहसीलदार के लेवल पे म्यूटेशन इंतकाल नहीं होता, आपने मेरे ऑफिस में आके अपना केस का अर्जी देना है, और उसके बाद अगर आपका केस जेन्युइन होगा तो हम डायरेक्शन इशू कर देंगे, बात खत्म। मतलब पटवारी तहसीलदार ने ऑनलाइन भी जब किया तो मतलब उन्होंने चेक नहीं किया कि किसके कब्जे में है क्या है कुछ नहीं। अभी ऑनलाइन मैंने जब चेक किया तो मुझे उसके बाद पता चला कि ऑनलाइन मेरे पापा के नाम पे क्यों नहीं हुआ। कोई बात नहीं है, आप मेरे कोर्ट में अपील कर दो। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। आपका नाम क्या है? जाफर। कौन सी पंचायत से? लोहरना बी दच्छन। स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम क्या है? ठीक है, अच्छा, ये आपका स्कूल का नाम है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल लोहरना नथनाला। अच्छा, गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल नथनाला है ना? वो सर दूसरी प्रॉब्लम आया है कि 3 साल से वहाँ मैथ का जो टीचर था वहाँ पे उसकी पॉलिसी थी उसको अगेंस्ट लगा है, 3 साल से वहाँ मैथ का सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जा रहा है। बच्चे कितने टोटल? बच्चे हैं कोई 35 से ऊपर ही हैं सर, और 3 भी टोटल है वहाँ पर, पर मैथ 3 साल से नहीं पढ़ाया जा रहा है। मैथ तो पढ़ाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कम टीचर होने का रीजन ये हो सकता है कि बच्चे कम होंगे, 30 बच्चों पे 3 टीचर तो ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप 40 बच्चे भी लोगे तो भी तो 3 टीचर काफी नहीं होंगे? प्यूपल टीचर रेशियो के हिसाब से देखो, 10 बच्चों पे 1 टीचर हो जाएगा। चलिए मैं इसको चेक करा लूंगा। ये बिल्डिंग कौन बना रहा है, पीडब्ल्यूडी बना रही है या समग्रा बना रहा है? समग्रा बना रहा है। गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल नथनाला, पंचायत लोहरना बी दच्छन, है ना? ठीक है, थैंक यू जी। जी, बहुत ही अच्छा रिस्पांस था। इनफैक्ट 11 से 12 का टाइम है तो अभी भी हमको लगातार कॉल्स आ रही है, लेकिन क्योंकि ऑफिस के बाकी मसले मसाइल भी देखने होते हैं तो हमने टाइमिंग फिक्स रखा है। आज सभी ऑफिसेज को मिला दें तो टोटल 150 से भी ज़्यादा कॉल्स आई। इनमें 70 के आसपास कॉलों को हमने सक्सेसफुली सुना भी और उनके ग्रीवियंसेस को नोट भी किया। आज ही ये सारे ग्रीवियंसेस हेलो किश्तवाड़ के ऑनलाइन पोर्टल में चढ़ जाएंगे और लोगों को उनके SMS आ जाएंगे। इनके SMS आने के बाद वो लोग अपनी कंप्लेंट को ट्रैक कर सकते हैं, उसमें जिस भी डिपार्टमेंट को एक्शन करने की जरूरत थी उसने क्या एक्शन लिया उसके बारे में भी वो जान सकते हैं। सर, ये ऑल ओवर इंडिया पहला इनिशिएटिव है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, तो क्या इसको एक्सपेंड किया जाएगा या गवर्नमेंट को आप लिखेंगे कि इस तरह का इनिशिएटिव बाकी जगह भी शुरू किया जाए? अभी क्योंकि अर्ली स्टेजेस में है तो पहले हमने इसको सक्सेसफुल बनाना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कॉल के बाद का काम, और वो होता है फॉलोअप कि हमको कंप्लेंट मिली है, अब इसके ऊपर हम फॉलोअप कैसा करते हैं, तभी जाके जनता का विश्वास रहेगा और तभी वो कॉल भी करेंगे। लेकिन ये है कि इससे काफी सारे लोगों का आने जाने का जो खर्चा होता है और कंप्लेंट लिखाने का खर्चा होता है, एक मेंटल हरासमेंट होता है, फॉलोअप करने में मुश्किल होती है, उसमें एक आसानी होगी। और अभी कोरोना का टाइम है, इतनी दूर दूर से आते हैं लोग, वो भी उनका समय बचेगा। सर, फार फ्लंग एरियाज का क्या रिस्पॉन्स रहा? फार फ्लंग एरियाज का बहुत अच्छा रहा रिस्पॉन्स। हमारे पास दच्छन से बड़े कॉल आए, छात्रों से कॉल आए, पलमार से कॉल आए, मुगल मैदान से कॉल आए, द्रपशाला से कॉल आए, तो मुझे लगता है कि इन एरियाज के लिए तो एक खासतौर से फायदेमंद है। सरप्राइजिंगली काफी कॉल्स हमको म्यूनिसिपल एरिया से भी आए, क्योंकि 2-3 चीजें ऐसी थी जैसे कूड़ा नहीं उठ रहा है किसी जगह से, तो दैट इज अ वेरी जेन्युइन इशू, सॉल्वेबल इशू, तो अच्छा लगा कि हाँ हम लोग उनको किसी तरह इमीडिएटली सुन भी पाए और मदद भी कर। सर, कितने ऑफिशियल्स ने आपके अलावा इन कॉल्स को रिसीव किया? हमारे टोटल 9 ऑफिसर्स हैं,
डीसी हैं, एसएसपी हैं, एडीडीसी हैं, एडीसी हैं, चीफ एजुकेशन ऑफिसर हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं।